हेलो दोस्तों, मैं जा रहा हूँ ग्रैंड सुपरमार्केट। ये अबूहा मोर में है। अगस्त का महीना है और कतर में अगस्त में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये तीन मंथ्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तो आज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो अराउंड 55-65% है। टेम्परेचर ठीक है, टेम्परेचर अराउंड 42-43 डिग्रीज है, लेकिन ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का जो फील्स लाइक है ना, फील्स लाइक टेम्परेचर, आज आफ्टरनून में जो इंटरनेट पे दिखा रहा था वो अराउंड 53 डिग्री सेंटीग्रेड थे। 53 सेंटीग्रेड, वाह। कोई बंदा अगर पहली बार इंडिया से कतर आएगा तो उसको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी जो इंडिया में देखने को नहीं मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो सबकी कलर सेम ही है, लाइट ब्राउन या लाइट ग्रे कलर, जो मिट्टी का कलर होता है या फिर लाइट मार्बल का वाइटिश कलर होता है वैसा है। आप कोई भी घर देख लो यहाँ पर। दूसरी बात ये कि इनकी लाइट सिंपल सिर्फ एक कलर की होती है। आप किसी भी घर पे देख लो, जो भी लाइट्स है वो सब वही सेम लाइट गोल्डन कलर की या फिर वैसा ही कुछ हमेशा सभी जगह मिलेगा आपको देखने के लिए। दूसरी बात ये कि आप किसी भी रोड पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, चाहे वो छोटा रोड हो या बड़ा रोड हो, सभी जगह पर आपको स्ट्रीट लाइट्स मिलेंगी जो कि जलती मिलेंगी, कोई भी लाइट ऑफ नहीं दिखती। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। चौथी बात यह है, यहाँ पर कोई हॉर्न नहीं मारता। अगर आप कार से ट्रैवल कर रहे हैं या कोई भी दूसरे व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं, अगर कुछ जाम भी है या फिर साइड से निकालने का रास्ता भी लेना है तो कोई हॉर्न नहीं मारता। ये हॉर्नलेस कंट्री है आप बोल सकते हैं, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत कम हैं। जैसे इंडिया में गली नुक्कड़ पे कहीं पर भी आपको पेड़ पौधे मिल जाएंगे, यहाँ वैसा नहीं है। सिंपली आप देखेंगे तो इक्का दुक्का पेड़ हैं जो कि लोगों ने साइड में अपने बगीचे के जैसा सजा के रखा है। दूर दूर तक आप कहीं भी देख लें, कोई भी रोड देख लें, कहीं पर भी आपको ऐसा ग्रीनरी नहीं दिखेगा। हाँ, रोड्स काफ़ी अच्छे हैं, कोई भी रोड टूटा फूटा नहीं है, काफ़ी सुंदर रोड है। लाइट्स सभी जगह पर जल रही हैं, गाड़ियाँ सारी चमचमाती हैं। कोई भी आपको टू व्हीलर बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। टू व्हीलर्स मोस्टली वही यूज़ करते हैं जो जिनको डिलीवरी का बिज़नेस होता है या फिर जो डिलीवरी बॉयज़ हैं जो खाना पहुँचाने के लिए या फिर और कुछ ग्रॉसरीज़ वगैरह डिलीवरी करने के लिए बाकायदा किसी कंपनीज़ के हायर किए हुए रहते हैं। नहीं तो पूरा का पूरा जहाँ कहीं भी आप देखो सब सिमिलर ही दिखता है। सारी बिल्डिंग्स का सेम कलर से रोशनी की हुई है। इवन जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी आपको सेम कलर के ही दिखते हैं। नहीं, अभी मैं हलाउल राउंड अबाउट से ग्रैंड हाइपर मार्केट के पास आ रहा हूँ। ये जो सामने है वो एक नया ओवर ब्रिज बना है अभी। ये जो पूरा एरिया था वो पूरा सिंगल रोड था जो आप अभी रोड देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा राउंड अबाउट था यहाँ पर, तो अभी उस राउंड अबाउट को हटा दिया है, उसने डबल ट्रैक का रोड बना दिया है। यहाँ पर इसके कारण काफ़ी रश होता था, तो डबल ट्रैक रोड के कारण अब बहुत सॉफ्ट हो गया है ट्रैफिक यहाँ का। और ये है वो अबूहा मोर का मार्केट जहाँ पर मैं अभी आया हूँ वॉक करते हुए। अबूहा मोर का ये पेट्रोल स्टेशन बहुत ही फेमस है। फेमस इसलिए नहीं है कि ये पेट्रोल पंप है, फेमस इसलिए कि पेट्रोल पंप के कारण यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे शॉप्स हैं, खाने पीने का है, व्हीकल रिपेयरिंग का है और ग्रैंड मॉल है। तो इस लोकेलिटी में अगर किसी को कुछ
ग्रॉसरी आइटम्स चाहिए या फिर खाने पीने के लिए या फिर ऐसे भी कभी भी आना है थोड़ा बहुत चहल पहल देखने के लिए, तो ये एक एरिया अच्छा है। ये सामने ग्रैंड मॉल है, ग्रैंड शॉपिंग सेंटर। बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर नहीं है, ये छोटा सा ही शॉपिंग सेंटर है, बट नॉर्मल ग्रॉसरीज जो भी चाहिए होती हैं वो बहुत आराम से मिल जाती हैं और सस्ते में भी मिल जाती हैं। मैं यहाँ लेने आया हूँ चिप्स, क्योंकि आज मुझे चिप्स खाने का मन कर रहा है। सो वेयर इज चिप्स? ये रहा मेरा फेवरेट चिप्स, सैलेड ओमान चिप्स। मैं घर से 1 किलोमीटर वॉक करके सिर्फ ये चिप्स लेने आया हूँ और अब मैं वापस जा रहा हूँ घर। फाइनली अपना चिप्स खरीद लिया है और अब मैं वापस घर की तरफ जा रहा हूँ। ये वॉक करके मुझे वहाँ पहुँचने में करीब 20 मिनट लगेगा। ये अबू हमूर का पूरा एरिया है जहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ इन द सेंस खाने पीने का आइटम हो। यहाँ पर इस्तानबुल है, यहाँ पर ग्रैंड शॉपिंग मार्केट है, यहाँ पर आपको व्हीकल्स रिपेयरिंग के लिए गैराज हैं, इसके दूसरे साइड में केक शॉप्स हैं, पिज्ज़ा हैं। सो ऑलमोस्ट एक छोटे से एरिया में सारे स्मॉल शॉप्स मिल जाते हैं, ब्रांडेड मिल जाते हैं। अब मैं वापस अपने घर लौट रहा हूँ, तो मुझे अपने 20 मिनट्स का वॉक कंप्लीट करना है। सो मिलता हूँ आपको घर पहुँच के। मैं घर पहुँच गया अभी और देख सकते हैं अगस्त की ह्यूमिडिटी कितनी है कि मैं पूरा भीग गया हूँ पसीने से। काफ़ी हाई ह्यूमिडिटी है, लेकिन थोड़ा वॉक करना चाहिए तो मैं वॉक कर रहा हूँ। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोई और डेस्टिनेशन आपको कतर के दिखाएंगे कि यहाँ जो गाड़ियाँ लगती हैं वो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, रोड पर ओपन में लगी पड़ी हैं। यहाँ इंडिया का जैसा डर नहीं है कि मैंने गाड़ियों को बाहर रखा है तो चोरी होने का डर है, या कोई रात में टायर निकाल के ले जाएगा, या फिर रात में टैंक से पेट्रोल या डीजल निकाल के लेके चला जाएगा। यहाँ इस तरह की घटना नहीं होती है और यहाँ 90% जितनी भी गाड़ियाँ हैं सभी की सभी गाड़ियाँ घर से बाहर लगती हैं, घर के अंदर भी लगती हैं, पर मैंने तो इनफैक्ट इतना तक देखा है कि कुछ रॉयल्स रॉयस जो हैं वो घर के बाहर लगी हैं, वो भी खुले में, ओपन में। कोई उसके ऊपर कपड़ा नहीं डाल के रखा या किसी ने कुछ ऐसा सिक्योरिटी डाल के नहीं रखा है, ऐसे ही ओपन में।